बच्चे आपके जीते जी तो छोड़ो मरने के बाद भी कोई उदाहरण समाज को प्रस्तुत कर सके। ध्यान रखिए, संतों को सारी दुनिया याद करती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जहां से जाऊंगा वहां के लोग मुझे याद करेंगे और आप भी याद करेंगे। मैं बांसवाड़ा से आया तो लोगों ने कहा कि महाराज हमको याद रखोगे, तो मैंने कहा मैं याद रख के भी करूंगा क्या, तुम्हें याद रख के कौन सा मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो तुमने ऐसे कर्म कौन से किए जो हम तुम्हें याद रखें, विचार करिए। और एक श्रावक, संत श्रावक को याद करे तो उसका अहित ही होना है, ये बात अलग है कि श्रावक संतों को याद करे तो उसका उत्थान होना है, उसका कल्याण होना है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, वही मैं इंदौर वालों आपसे कहता हूं कि संतों को सारी दुनिया याद करती है, कोई बड़ी बात नहीं तुम मुझे याद रखोगे, लेकिन एक काम कर लो मेरे भाई, कुछ ऐसे काम करो कि संत तुम्हें याद करने लगे, संत तुम्हारा स्मरण करने लगे। और आप कहेंगे कि वीतरागी संत भी श्रावक को याद करते हैं, अरे बिल्कुल करते हैं मेरे भाई, कौन कहता है कि नहीं करते हैं। यदि वीतरागी संत श्रावक को याद ना करें तो कोई आचार्य श्रेणिक पुराण कैसे लिख सकता है, कोई आचार्य पांडव पुराण कैसे लिख सकता है, कोई आचार्य परम पुराण कैसे लिख सकता है, कोई आचार्य श्रीपाल चरित्र कैसे लिख सकता है, श्रावक कोई तो याद कर रहा है ना। आपसे भी कहता हूं ऐसा जीवन बनाओ कि संत तुम्हें याद करने लगे, मैं तुम्हें याद, और याद ही ना करूं, मेरे प्रवचन की किताबों में तुम उदाहरण के रूप में आकर के प्रकट हो जाओ। ध्यान रखिए, राजा श्रेणिक का उदाहरण दिया भगवान महावीर ने, तो 2600 वर्ष के बाद भी आज श्रेणिक हमारी आस्थाओं पर विराजमान है। अरे ऐसे काम करो अपने जीवन में कि संत तुम्हें, तुम्हारे चरित्र को अपनी लेखनी बना ले, स्याही पर लिख दे और किताबों में शास्त्र बना करके भेंट कर दे। आप ना लिख पाए कोई बात नहीं है, लेकिन तुम पर कुछ लिखा जा सके ऐसा काम करो मेरे भाई कि तुम्हारा उदाहरण दे सकूं।